एक छोटा सा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है, और उसी सफलता के इस बदलाव के अवसर को तलाशता हुआ यह वीडियो आधारित है मकर राशि के जीवन में क्या होने जा रहा है अक्टूबर सन 2024 के इस महीने में। ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 2024 का ये महीना एक ऐसा महीना होगा जहां पर एक ऐसा बेस डलने वाला है, एक ऐसा नींव डलने वाला है जिसका प्रतिफल हमें लंबे अवधि तक प्राप्त होगा। कैसे होगा, क्या होगा, एक एक बारीकियों को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 3 अक्टूबर सन 2024 का वो दिन आता है जिस दिन शनि देव आपके अपने राशि के स्वामी हैं और इस समय पर धन भाव पर प्रतिष्ठित हैं। ये एक ऐसे नक्षत्र पर परिवर्तित कर जाएंगे अपना गोचर जो कि सद्भिषा नक्षत्र होगा। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु, और इस हिसाब से शनि राहु के नक्षत्र पर होकर के राहु का प्रतिफल प्रदान करेंगे, जिसका सबसे अच्छा प्रभाव यही हो गया कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय एक अनुकूलता को प्रदर्शित करता है। एक ऐसा समय है, शनि हमारा कर्म है तो वहीं पर राहु के अंदर अत्यधिक बढ़ोतरी है, अर्थात हमारे कैरियर में भी, और चूंकि ये धनेश है तो धन में भी एक अच्छे बढ़ोतरी का अवसर दिखेगा। चूंकि ये परिवर्तन, ये गोचर लगभग लगभग 27 दिसंबर सन 2024 तक रहेगा, तो इस पूरे साल के अंत तक आपके राशि के स्वामी शनि अब कुछ बेहतर दिला पाने में समर्थ होंगे, क्योंकि इनके पास राहु का साथ भी होगा, और कहा भी गया है यथा राहु तथा शनि। इसके पश्चात जो दूसरा गोचर दिखाई पड़ेगा वो होगा 9 अक्टूबर सन 2024 को। इस दिन देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के कारक माने जाने वाले हैं, यही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर कायम रहेंगे। स्थान इसका देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर चल रहे हैं, और यहाँ से इनका प्रभाव एक घर पीछे भी प्राप्त होगा। इस हिसाब से कोई कार्य आपने पुराना छोड़ दिया है कि छोड़ो भाई अब क्या होता है आगे का देखें, तो नहीं, इस समय पर फिर से उस कार्य की पुनरावृत्ति हो सकती है। हो सकता है पारिवारिक जीवन को लेकर के यदि किसी कारण से मन अशांत है, वहाँ पर एक सुव्यवस्था कायम होगा। चूँकि गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव से पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टी, कोई भूमि, भवन या वाहन संबंधी कामनाएं जो मन में प्रारंभ हुई थी, उसको यदि हमने छोड़ दिया है तो फिर से उस पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, फिर से वो प्राप्त होने की संभावना प्रबल होती है। देव गुरु बृहस्पति चूंकि ज्ञान के कारक हैं और स्वयं पंचम भाव पर हैं, इसलिए आपके अंदर स्वयं एक ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, एक नया नॉलेज आप प्राप्त कर पाते हैं। इस समय पर जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी गुरु का ये वक्रत्व अवस्था पर आना एक अच्छा परिणाम ही यहाँ पर कायम रखेगा। पंचम भाव अर्थात पूर्व के पुण्य इस समय पर जागृत होंगे। हमने कोई कार्य किया है, उसका प्रतिफल नहीं मिला है, तो देव गुरु बृहस्पति आपको प्रतिफल दिलाएंगे, अपने कार्यों की सजगता और उन्नति के अवसर को आप तक पहुंचा पाएंगे। विशेष बात ये हो जाती है कि इनका प्रभाव सिर्फ अक्टूबर ही नहीं बल्कि 4 फरवरी सन 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसलिए गुरु का वक्रत्व अवस्था पर आना, किसी मानसिक कार्य को पूर्ण कराना, और साथ ही साथ कैरियर के दृष्टिकोण से भी आपके लिए सपोर्ट कारक ये गुरु का वक्री अवस्था पर आना होगा। हालांकि इसके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आने वाले हैं, आगे समय पर उसे आप जरूर देखिएगा। अब चलते हैं 10 अक्टूबर के डेट को। एक बड़ा परिवर्तन होता है 10 अक्टूबर को, बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी अपनी राशि से दशम भाव पर बुध का प्रतिफल हो जाएगा। बुध वैसे भी आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी एक घर आगे होना भाग्य उन्नति के लिए तो अच्छा हो ही गया, साथ ही साथ दशम भाव यहाँ पर प्रभावी हो गया, बुध यहाँ पर उपस्थित हो गए, जो आपके कैरियर में एक नई जागृति, नई जिज्ञासा को जन्म देता है। बुध हमारी बुद्धिमता है और ये चला गया दशम भाव पर, इसलिए चूंकि भाग्य के स्वामी हैं, इसलिए भी आप एक करियर के लिए एक नई सफलता का सोर्स यहाँ पर बुध लेकर के आता है। उच्च अधिकारियों से सपोर्ट मिल सकता है, पिताजी से सपोर्ट मिल सकता है, आप जहाँ पर काम करते हैं उनके संग कोई सहयोग की भावना नहीं आ पा रही, तो वहाँ पर एक सहयोग की भावना कायम होते हुए नजर आएगी।
अगला गोचर होता है ठीक 13 अक्टूबर को। जिस दिन शुक्र, अभी जो मालव्य राजयोग का प्रभाव तो 13 अक्टूबर तक ही दिख रहा है, 13 अक्टूबर के बाद यही शुक्र एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात ये चले जाएंगे एकादश भाव पर। और एकादश भाव स्थान होता है इनकम का, लाभ का स्थान होता है, अर्थात दशम के स्वामी का इनकम भाव पर जाना कार्य से मुझे लाभ निकाल करके देगा। मैंने जो काम किया है, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई नौकरी है, उसमें कोई इंक्रीमेंट हो सकता है, उसमें लाभ की प्रतिशतता काफ़ी हद तक मजबूत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 11वां भाव जागृत हो रहा है जो आपकी इच्छाओं के अनुकूल आपको परिणाम दिलाता है। अगला ट्रांजिट, अगला गोचर होगा ठीक 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, ये भी तुला राशि पर चले जाएंगे। अब तुला राशि देखा जाए तो मकर राशि से ठीक दशम स्थान पर इस सूर्य का गोचर होगा। ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये सूर्य, चूंकि ये अष्टम के स्वामी है, दशम भाव पर जाएंगे, कोई कार्य में हमको रुकावट डालता हुआ भी नजर आ सकता है। होता है, हम अपने कार्य को सजगता से करते हैं, पूरे मेहनत से, पूरी निष्ठा से हम अपने कार्य करते हैं, लेकिन कोई अदृश्य सी शक्ति है जो उस कार्य को रोक लेता है। यही स्थिति आ सकती है 17 अक्टूबर के बाद, जहां पर सूर्य दशम भाव पर नीच के हो जाएंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये होगा कि सूर्य का दशम भाव पर होना हमें नेम और फेम दिलाता है। इस कारण से कैरियर में कोई नया नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। बस नीच के होने के कारण हमको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने काम को हमको पूरे जिम्मेदारी से, पूरे अनुकूलता से उस काम को करने की आवश्यकता रहेगी। यही आपका प्रमोशन भी करा सकता है। अगला परिवर्तन होता है 20 अक्टूबर सन 2024 को। जिस दिन मंगल, आपके इनकम के स्वामी है मंगल देव, और यही मंगल एक ऐसे स्थान पर चले जाएंगे सप्तम भाव पर, अर्थात सप्तम भाव पर जब मंगल जाते हैं तो ये इनके लिए ये व्यापार का स्थान हो गया, आपके दाम्पत्य का स्थान हो गया। तो इसलिए 20 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पति पत्नी के मध्य कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हमको उसमें सजगता की आवश्यकता है। चूंकि मंगल सप्तम भाव पर जाएंगे तो जो लोग भूमि संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी कोई बिजनेस करते हैं, उनके लिए अच्छा हो गया मंगल का जाना। लेकिन मंगल यहाँ पर नीच राशि पर जा रहे हैं और ये आपके इनकम के स्वामी हैं, साथ ही साथ चतुर्थ के स्वामी भी हैं, तो माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, पत्नी या आपके पति के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता भी इस मंगल के प्रभाव से बनती है। क्या उपाय किया जाए जिससे इस अक्टूबर 2024 को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस पर अब ध्यान दीजिएगा। गेहूं का संबंध होता है सूर्य से और सूर्य इस समय पर पीड़ित रहेंगे, अर्थात नीच अवस्था पर रहेंगे, और मंगल का संबंध होता है मीठे सामग्री से। तो इस समय पर गुड़ और रोटी गौ माता को ग्रास कराइएगा, उनको खिलाइएगा जरूर। इससे 33 कोटि देवी देवता का निवास माना गया है माता गौ माता के शरीर पर, तो उनकी कृपा हमें मिल गई। इस समय पर लाल सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करना मत भूलिएगा। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, अर्थात मंगल नीच के हो रहे हैं, कैरियर में सफलता के लिए, एक बड़े लाभ के अवसर के लिए हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करना बहुत प्रभावशाली आपको प्रभाव दे सकता है। इस समय पर सूर्य के प्रभाव को लीजिएगा, सूर्य भगवान को जल अर्पण देना, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप करना एक बेहतर स्थिति को कायम रखता हुआ आपके लिए सफलता और आर्थिक स्थिति को मजबूत जरूर बनाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अक्टूबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जहां पर आपके राशि के स्वामी शनिदेव राहु के नक्षत्र पर होंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था पर जाना। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।